हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आलोक मिश्रा, वेलकम टू ऑन माय प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ऋत्विक जी हैं, ऋत्विक विशाल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं और इन्होंने केवीएस के एग्जाम में एक अच्छी रैंक हासिल करी है, केवीएस को क्वालिफाई किया है, एग्जाम रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई किया इन्होंने और इंटरव्यू भी किया है। तो आइए इन्हीं सर से हम जानते हैं और इन्होंने इस परीक्षा को कैसे पास किया, क्या इनकी कुछ स्ट्रेटजी है, यहाँ से आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम देखते हैं, सर से बात करेंगे। सर, पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे आपने एग्जाम दिया है। सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सर मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सर मैंने बीटीसी किया है डाइट गोरखपुर से। तो उसके बाद मैं तैयारी करते हुए साथ में मुझे फाइनेंशियल भी गेन करना था, चीजें मुझे अपनी स्मूथ करनी थी, लाइफ के करियर को देखना था, तो इसलिए मैंने सर ऑप्ट किया कि मैं जॉब की तरफ देखूं, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी मुझे दिखनी नहीं थी बहुत ज़्यादा टीचिंग लाइन में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो फिर मैंने सर सोचा कि मैं जॉब करूं, तो मैं प्राइवेट सेक्टर में गया और फिर वो जर्नी के साथ मैं तैयारी भी करता रहा और फाइनली मेरा यहाँ केवीएस में सिलेक्शन। सर, तो आपके केवीएस के जो मार्क्स हैं वो रिटन एग्जाम में कितने हैं और आपने उसकी तैयारी कहाँ से की, कहाँ से आपने गाइडेंस ली और इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को तो कुछ आइडिया होगा। सर, सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग की केवीएस का, जब लास्ट ईयर दिसंबर में आया इसका नोटिफिकेशन, तो उस टाइम मैंने सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से किया। मतलब आप एक ऐसे देखें कि वर्ड्स क्या क्या लिखे हुए उसमें, सिलेबस के कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, कहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो ये एक जनरल आइडिया होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। तो सिलेबस के साथ मैं अच्छे से एक बार गो थ्रू हुआ कि हाँ क्या है, उसके बाद मेरे को सीनियर्स भी थे तो मैंने उनसे बात की, फिर मेरा आपके साथ भी कॉन्टेक्ट हुआ बीच में, तो मैंने आपसे भी बात की और कैसे हम अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मेरे साथ एक मैं ये कहूँगा केस था कि मुझे जॉब करते हुए सब कुछ करना था। तो जॉब करते के साथ होता क्या है कि आपके पास 10 से 4:30 जॉब किए, घर पहुंचे, फिर बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपके पास 2-3 घंटे बचते हैं, तो उस बीच में आपको सब कुछ करना होता है। तो बहुत लिमिटेड पढ़ाई भी करनी है, सोर्सेज आपके बहुत वो होने चाहिए कि यहाँ से पढ़ा यहाँ से नहीं पढ़ा, तो अल्टीमेटली गाइडेंस तो चाहिए ही। तो मुझे सीनियर से मिला, फिर आपसे भी मैंने जिस तरह से बातें की हम लोगों ने, क्योंकि मैं लखनऊ में उस टाइम पे था, आप दिल्ली में थे, तो जो मीटिंग्स के थ्रू कॉल्स के थ्रू हम लोगों ने बातचीत की, तो उससे मुझे लगा कि मेरा जो सेंटर होना चाहिए तैयारी का वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे ही जनवरी में ये पता चला कि अब तो फेब में एग्जाम है, तो फिर मैं बाकी चीज़ों पर थोड़ा कम ध्यान दिया, लेकिन जॉब तो मुझे करनी ही थी, लेकिन हाँ मैंने और समय कहीं कीमती निकाले। और मुझे ये भी लगता है कि जब आपके पास टाइम कम होता है तो आप फिर उस टाइम की वैल्यू करते हो कि कैसे आपके पास एक समय बचा है और आपको उसी दिन में जो बाकी के पास 8-10 घंटे ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, आपको उनके साथ एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि आपके पास अगर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्लस गाइडेंस, अगर दो चीज़ें हैं तो आप सफलता आपसे फिर दूर नहीं हो सकती। सर, अचानक से केवीएस ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया था, सिलेबस थोड़ा मॉडिफाई किया। भाई, इससे पहले जो केवीएस का एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसमें 150 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते थे और अब की जो 2022 की परीक्षा हुई थी उसमें 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहा, पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया, तो आपने उसको कैसे नए सिचुएशन में आपने उसे देखा, कैसे अपनी प्रिपरेशन करी कि आपने उस एग्जाम के लिए मेनली जो पैटर्न चेंज हुआ उसको आपने कैसे हैंडल किया या आपके रिसोर्सेज क्या थे पढ़ने के, तो थोड़ा आप गाइडेंस दे सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि जो सिलेबस चेंज हुआ या जो पैटर्न चेंज हुआ वो बहुत ब्रॉडर चेंज भी नहीं हो गए, वही हिंदी इंग्लिश और आपके सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, पेडागॉजी वही है, तो बहुत सारे मेजर चेंजेस मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे तुरंत स्ट्रेटजी बदलनी पड़ी कि अब मुझे कॉम्प्रिहेंशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सिलेबस जो है वो इम्पोर्टेंट की रहा उस टाइम पे, और मैंने उस चीज़ को देखा कि क्या वहाँ पे मुझसे कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है नंबर की, मेरे कौन से एरिया वीक हैं, कौन से अभी भी स्ट्रांग हैं, तो उस पर वर्क किया अच्छे से। मैं अगर इसके लिए मैं अपने सीनियर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे जर्नी में हेल्प किया, और आपको भी सर थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो सोर्सेज रिसोर्सेज थे मेरे पास उस टाइम पे, मुझे बहुत लिमिटेड पढ़ाई करनी थी क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि मेरे पास टाइम बहुत कम था,
मुझे एक आइडिया था कि अगर ये केवीएस एग्जाम करा रहा है तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैंने रिमझिम स्टार्टिंग से ही पढ़ ली थी, लेकिन हाँ बेसिक एनसीईआरटी जो होती है ईवीएस की वो मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी कंपलसरी, हाँ एनसीईआरटी से मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने साइंस को देख लिया, थोड़ी सी ज्योग्राफी देख ली, क्योंकि मैं जिस जॉब फील्ड में हूँ एडटेक कंपनी में हूँ तो उसमें मेरा काम था कंटेंट राइटर का, जनरल स्टडीज का, तो उसका मुझे हेल्प मिला मेरी पढ़ाई में, तो ईवीएस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो पहले भी क्लियर हो। बाल विकास सीडीपी में अगर देखूं तो उसके लिए जो मेरे डाइट के नोट्स थे या एससीईआरटी की बुक्स थी मेरे पास उस टाइम पे, जो भी मेरे पास था उसको मैंने भरपूर यूज किया। फिर उसके बाद कुछ अलग सी भी चीजें मैंने किया, जैसे एफएलएन पढ़ लिया अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट था, मुझे पता था कि ये मेरे रिटर्न में भी है, इंटरव्यू में भी है। और उसके बाद फिर मैंने एनईपी 2020 को देख लिया, एनसीओ के पॉइंट्स देख लिए, इंडिया में कैसे एजुकेशन का विकास हुआ, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो तो आपको सबको देखना है, कि आपको इंटरव्यू भी देखना है, आपको रिटर्न भी देखना है, तो एक बार देख लिया कि क्या चल रहा है, और हर चीज को एक पर्सपेक्टिव से ये डेवलप करना कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, मुझे कितना उस टाइम उस पर टाइम देना है। दूसरी चीज सर कि प्रीवियस ईयर पेपर के नाम पे मेरे पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सीबीएसई जो एग्जाम करा रही है, केवीएस जो एग्जाम करा रही है, उनके पैटर्न कोई भी एग्जाम अगर हम देखें तो चाहे हम यूपीएससी देख लें, यूपीपीसीएस देख लें, सबके पैटर्न होते हैं, वो उसी पैटर्न पे सब लोग पूछते हैं। तो उस चीज को मैंने देखा कि जितने 2022 में और 21 में सीटेट के पेपर हुए थे, क्योंकि मैं 2019 में क्वालिफाई कर लिया था, तब तक के प्रीवियस ईयर मैंने कर लिए थे, 2020 और 21 के सारे प्रीवियस ईयर मैंने किए जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए, और उसको करने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मुझे क्वेश्चन का, क्योंकि सीटेट भी बदलाव कई बार किया, तो उस सीटेट के बदलाव से मुझे ये पता चल गया कि केवीएस में भी कैसे कैसे बदलाव हो सकते हैं। ये मेरा जस्ट एक आइडिया था, मुझे नहीं पता कि ये कितना काम किया, लेकिन हाँ मुझे एक चीज पता चल गया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, और उसके लिए मैं तैयार रहा। तो प्रॉपर नोट्स भी बनाए, बहुत ज्यादा नोट्स पे मैंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि बहुत ज्यादा बना लूं, क्योंकि टाइम अगेन वही मैं कहना चाहूंगा कम था, लेकिन हाँ मैंने नोट्स एक अच्छा बनाया, एक स्ट्रक्चर पे लिखा, रास्ते में ऑटो में बैठे या वापस लौट रहे ऑफिस से या फिर कहीं पर टाइम मिल गया तो एक बार गो थ्रू करने की हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज कर लिया, रिकॉर्डिंग्स कर ली। उसके बाद एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो मैंने देखा इंटरव्यू में भी काम आया और रिटर्न में तो काम आए ही। सर तो जैसा सर ने कहा कि एनसीईआरटी, और मैं आप सभी को हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि एनसीईआरटी को ही आप अच्छे से करिए, क्योंकि सीटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में एनसीईआरटी सबसे बेहतर रोल प्ले करता है, वो आपका बैकबोन है, वो आपका बेसिक है पूरा, एनसीईआरटी ही सबसे बेहतर आपके लिए हेल्प करती है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और सर आपने रिटन एग्जाम की अपनी जर्नी के बारे में बताया, और आपका इंटरव्यू कैसा गया और इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की अपनी परीक्षा को, अपने मार्क्स कितने गेन किए, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करें तो आप रिटन एग्जाम के भी मार्क्स बताएंगे, और इंटरव्यू में आपने कैसे प्रिपरेशन की और इंटरव्यू कैसा रहा आपका, वो आपके एक्सपीरियंस थोड़ा आप शेयर करेंगे, सो आप बताएंगे कि इंटरव्यू कैसा रहा आपका। हाँ जी सर, मार्च में जब रिजल्ट आने की बात हम लोगों ने सुनी कि रिजल्ट आ सकता है, तो उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, और मैंने कुछ जगह इंटरव्यू दिए, फिर मैंने आपसे भी कुछ गाइडेंस उसमें लिया कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बातचीत करनी है। लेकिन उसके बीच में फिर क्या हुआ, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हुआ, तो मैं तब तक फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो चुका था अप्रैल के बाद से, तो मैंने उसके बाद क्या किया कि मुझे पता था कि जिस दिन भी इंटरव्यू की डेट आएगी मैं यहाँ दिल्ली में रहते रहते मैं प्रिपरेशन में कर सकता हूँ, और जैसे अक्टूबर में रिजल्ट आता है उसके बाद मैं बैक टू बैक इंटरव्यू देता हूँ। उससे क्या होता है कि मॉक इंटरव्यू से आपके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मॉक इंटरव्यू में पूछा जाता है वही आपसे वहाँ पूछा जाएगा, मॉक इंटरव्यू बिल्कुल मैं कह सकता हूँ एकदम तुक्का है, वहाँ आपसे गए हो सकता है कि आपका इंटरव्यू आ गया, हाँ जी, तो आप इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर जैसे मैंने हम लोग जैसे मैंने आपको मॉक इंटरव्यू दिया तो मुझे याद था कि आप कुछ क्वेश्चंस का सेट रखे थे कि जैसे G20 पूछ लिया, चंद्रयान पूछ लिया, एनईपी पूछ लिया, बर्फ पूछ लिया, सफल पूछ लिया, उससे क्या होता था सर कि एक आइडिया लगता था कि हाँ ये चीजें तो मुझे आनी ही चाहिए, क्योंकि सर मैं एक चीज मैं मानता हूँ पर्सनली इस चीज को कि जो बहुत आसान सी चीजें हैं वो आप करके जाओ, क्योंकि टफ चीजें तो सबके लिए टफ है, और आसान चीजें करके जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आप पढ़ाई में भी कर सकते हो, दो आसान सब्जेक्ट ले लिए, एक टफ ले लिया, हिस्ट्री ले लिया तो साथ में मैथ पढ़ लिया, ज्योग्राफी ले लिया तो साथ में इंग्लिश पढ़ लिया, तो उस कॉम्बिनेशन ऐसा बनाइए जो आपको फिट करे, आपको सुटेबल करे। और उससे क्या होता है कि इंटरव्यू की तैयारी के दौरान फिर मुझे ये भी समझ में आ गया कि
जो स्टार्टिंग में मेरे अंदर नर्वसनेस थी वो कम होती गई डे बाय डे। और फिर मैं बहुत सारे मॉक से मुझे ये हो गया कि मुझे ये पता था कि सारे क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछे जाने, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो अंदर जाना, आप डोर पे जा रहे हो, नॉक कर रहे हो, अंदर जा रहे हो, वो आपको बैठने के लिए कह रहे हैं। तो जब कई बार आपके अंदर अभ्यास रहता है इस चीज़ का, तो आप गड़बड़ी करने की फिर संभावना खत्म हो जाती है। फिर आप उनके सामने बैठते हो, वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जैसे मैं इंटरव्यू देने गया तो सब कुछ अच्छा रहा, जैसे इंटरव्यू से दो मिनट पहले क्या हुआ कि पानी की बॉटल मैं मुझे मिली पानी पीने के लिए, और मैं जैसे पिया कुछ ऐसा नर्वसनेस में क्या हुआ कि कुछ बूंदे मेरी शर्ट पे गिर गई, और वो तुरंत तो सूख नहीं सकती थी, और मुझसे कहा गया कि अब आपको अंदर जाना ही होगा, और मुझे लग गया कि ये इंटरव्यू शायद अब खराब हो जाएगा, क्योंकि वो इस चीज को जज कर सकते हैं कि मैं कितना अनकॉन्शियस था पानी पीने के टाइम पे। और जैसे ही मैं अंदर गया और उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, और उन्होंने बहुत नॉर्मल बातचीत किया मुझसे, तब मुझे लगा कि, और जब मेरे इंटरव्यू के मार्क्स आए 54 के अराउंड, तो तब मुझे लगा कि ये चीजें मायने नहीं करती। आपका अल्टीमेटली आपका प्रेजेंटेशन कैसा था, आपने बातचीत कैसे की, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे मॉक्स देने पड़ेंगे, टीचर की फीडबैक सुनना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, और एक ही चीज की अपनी कमियां डे बाय डे दूर करनी पड़ेगी। जैसा हम आपको बता दें कि ऋत्विक हमारे मॉक इंटरव्यू में भी आए थे, और ये जब पहली बार इन मॉक इंटरव्यू दे रहे थे थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे थे जब इन्होंने इंटर किया, जब क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, जब आपका शुरू का जो लेसन प्लान जो आपने रिप्रेजेंट किया था, जो आपको पोम रेसिटेशन के लिए दिया गया था, वहां भी शुरुआत में रिप्रेजेंटेशन जो था थोड़ा इनका साई सा था, लेकिन धीरे धीरे ओपन होते चले गए और इनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया, और वही कॉन्फिडेंस जो मॉक इंटरव्यूज के थे वही मेन एग्जाम में इनको हेल्प किया उसको क्लियर करने में, और वहां अपने अपने आप को बेहतर रिप्रेजेंट करने के लिए इनको काफी हेल्प मिली यहां से। सो आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स कितने हैं वो 54, हाँ जी 54 मार्क्स, और रिटन एग्जाम में कितने थे? सर 143 मार्क्स था। तो ये मार्क्स तो काफी अच्छा था, और फाइनली जो है ऋत्विक जी का सिलेक्शन हुआ है केवीएस में। केवीएस में सर सिलेक्शन कहाँ हुआ है आपका? सर भोपाल आरू है और सारडी ये स्कूल का केंद्रीय विद्यालय। तो सर का जो है सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। इनके रिटन के एग्जाम और जो इंटरव्यू थे वो दोनों काफी अच्छे गए, और सर ने जो बताया उनकी जो जर्नी थी उसको आप लोगों ने सुना, और आप लोगों को भी एग्जाम जब आगे आप परीक्षा केवीएस की देंगे, DSSB देंगे, तो आपको कुछ काफी हेल्प मिलेगी यहाँ से। और सर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, बच्चों के लिए बता सकते हैं कि वो अपनी तैयारी को कैसे करें और कैसे अपनी जो तैयारी है उसमें अच्छे मार्क्स के साथ, चाहे आपका इंटरव्यू का सेक्शन हो चाहे रिटन एग्जाम हो, उसको क्लियर करने में उन्हें कैसे हेल्प मिलेगी, और क्या कुछ गाइडेंस आप देना चाहें? सर कोई भी एग्जाम हो, अगर हम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हम कह सकते हैं, कि आपकी स्ट्रेटजी और प्लस गाइडेंस। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में पता नहीं रहता आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप एक बार गाइडेंस ले लेते हैं तो उसके बाद फिर एक टाइम पे ऐसा आता है कि जैसे हम JPEG और स्कैफोल्डिंग पढ़ते हैं ना, कि एक टाइम पे आने के बाद आपको छोड़ दिया जाता है कि अब आप खुद ही रन कर सकते हो। तो वो चीज़ें सर होनी चाहिए एक फ्रेशर के लिए, और अगर आप पढ़ चुके हो तो एक टाइम आपने इस कंटेंट को दे दिया है तो फिर आप सेल्फ स्टडी की तरफ मूव कर सकते हो, जैसे मैंने किया, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में डाइट के टाइम पे या फिर उसके बाद मैंने कुछ कोचिंग ले ली, तो उससे क्या हुआ कि मुझे गाइडेंस मिलता रहा। अब मुझे चाहिए था कि मैं जब कहीं पे कुछ डाउट हो तो उसके लिए मुझे कोई हेल्प कर सके, और उसके लिए सर मैं जैसे आपसे कई बार किया, अपने सीनियर से किया, तो वहाँ से सर बहुत इंपॉर्टेंट रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो भी एस्पायरेंट्स हैं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस तरह से, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और प्लस गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। और उसके बाद आप अपने नोट्स अच्छे से बनाइए, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, आपको जो पढ़ना है वो आपको पहले से पता रहे कि मुझे ये पढ़ना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए वो कहाँ से पूछ रहे हैं, उनके सोर्स क्या हैं, फिर उन्होंने कौन सी बुक्स रिकमेंड की है, अगर नहीं की है तो अपने सर से बात कीजिए। जैसे मैंने आपसे पूछा था सर कि कौन से बुक्स पढ़ लूँ, आपने कहा पहले NCERT से शुरू कर लो, जब कुछ नहीं समझ में आया तो NCERT से शुरू कर लो, तो मैंने NCERT से शुरू कर दिया कि क्योंकि कुछ नहीं पता तो पहले NCERT शुरू कर, फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ यहाँ से बन सकता है, ये बन सकता है। तो नोट्स अच्छे से बनाएं और प्रैक्टिस पे, जैसे मैंने दो मॉक के लिए एक टो सीरीज मैंने, मुझे याद है वो खरीदी थी, और एक और बुक्स, दो तीन बुक्स मैंने ऐसे ली, तो कैसे होता था कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए और जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो सॉल्व किए, उससे क्या हो गया कि इतने कम टाइम में मुझे कैसे जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करके उसके ऊपर देख लेना है कि कुछ गड़बड़ियाँ ना हो।
उसके बाद मुझे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको जल्दी से जल्दी तैयारी भी करनी है और सब चीज़ों पे ध्यान भी देना है, तो आपको फिर मैं वही कहूँगा कि अल्टीमेटली आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तभी आप सारे सब्जेक्ट कवर कर पाओगे। और फिर किसी का व्यक्ति जो होना चाहिए आपको, कि जो आपको एक बता सके कि पहले ये पढ़ लो, पहले ये पढ़ लो, और आप अपने नोट्स बना लिए, फिर आप उसको थॉरली रिवाइज करो। और मैंने कहीं पढ़ा था कि द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द बैटल, आप अभ्यास के लिए जितना ज़्यादा पसीना बहाओगे आपको युद्ध क्षेत्र में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन रही मेरे उस जर्नी के लिए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने प्रैक्टिस बहुत किया इसलिए मुझे वहाँ पे, और क्योंकि मैंने मॉक भी बहुत सारे दे दिए। तो जैसे मैं, अगर आपको याद हो सर, मैं जब मन की भोले बहादुर भाले बहादुर पढ़ा रहा था, उस टाइम पे मेरा बोर्ड जो था वो ड्राइंग बहुत गंदी थी उस टाइम, तो वो आपने जब मुझे टोका तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको ड्रॉप करते हैं, नहीं बनाते हैं। खैर वहाँ पे नहीं बनवाया गया मुझसे, उस चीज़ से मैं बच भी गया। लेकिन मुझे ये चीज़ लगा कि अगर ये चीज़ खराब है तो आपने कहा कि टाइम कम है, मत बनाओ, छोड़ ही दो इसको फिर, क्योंकि खराब करने से अच्छा है कि ना करें, ना किया जाए। लेकिन फिर बाद में वो जो डेट पीरियड कौन से चल रही है, हमारी आज का टॉपिक क्या है, कितने स्टूडेंट थे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई कि कैसे बातचीत करते करते बच्चों के साथ वो चीज़ें भी लिख दी। तो मुझे ये सब लगा कि ये एक दिन में नहीं हो सकता, आपको लंबा टाइम चाहिए होता है, ये लंबी जर्नी है। और जब आप गाइडेंस में आ जाते हो किसी के, तो फिर आप, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो जाता है कि आप घर पे बैठे हो, आप कन्वीनियंट हो पढ़ने के लिए, आप जॉब कर रहे हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन कर लो, अगर आप ऑनलाइन कर ले सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप, लेकिन गाइडेंस अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और मुझे वो लगा कि मेरे लिए वो हेल्प किया, क्योंकि मेरे पास, मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि कैसे शुरू करना है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था, मैं जॉब करते करते ही सब कुछ करना चाहता था, तो मेरे लिए चैलेंजिंग था बहुत बड़ा। सो ऋत्विक ने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि उन्होंने केवीएस के रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करी, इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू उन्होंने हमसे भी लिए और कई सारे जगह भी लिया जहां से इनको काफी हेल्प मिली, इनके अपने अपनी पूरी एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी इन्होंने आपको शेयर किया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये टीचर कैसे बने और क्या कुछ इनकी पूरी जर्नी रही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये जर्नी, ये जो इनका एक्सपीरियंस है वो आपको पूरी हेल्प करेगा आपके भी एग्जाम को क्लियर करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन इसको देखने के लिए, और ये आपसे, आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को जरूर मिलेगा। सर आप कुछ कहना चाहें, दो लाइन तो आप कह सकते हैं फाइनली। और सर मैं दो लाइन कहूंगा बच्चों से कि माना अगम अगाध सिंधु संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन डूबना इन मज़ारों में साहस को स्वीकार नहीं है। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और जितनी मेहनत हो सकती हो सकता है आप करें, और ये मान के चले कि आप कहीं असफल हुए हैं तो कहीं सफल जरूर होंगे, ईश्वर ने ऐसा नहीं है कि रास्ते बंद कर रखे हैं। और मैं इसी होप से ही आगे बढ़ा था, 19 में वैकेंसी नहीं आई तो मुझे डर था कि क्या होगा आगे, लेकिन मैंने ये एक लिया उस टाइम पे कि मुझे जॉब करना है, क्योंकि मुझे फाइनेंशियल ज़रूरतें थी मेरी, और मुझे लगा कि ऐसे करियर मैं घर पे बैठे बैठे दांव पे नहीं लगा सकता अपना, और इसलिए मैंने फिर लखनऊ, बेंगलोर, दिल्ली, नोएडा, इन चारों जगहों पे मैंने काम किया, और उसके साथ ही पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि मैं एक डेढ़ साल में पढ़ाई के इस लेवल पे पहुंच गया था कि मुझे लगा कि अब मैं जॉब करते करते पढ़ाई कर लूँगा, क्योंकि मुझे अब रिवाइज करना है, मेरे नोट्स रेडी हैं, मुझे बस उनको रिवीजन नहीं करना है। तो मैं बच्चों से ये कहूँगा कि डूबिए गम से मज़ार में, और अपने साहस को इतना रखिए कि आप आगे बढ़ सके, और मैं सारे एस्पायरेंट्स को ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में सफल हों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद सर। चलिए तो फिर फ्रेंड्स, एक सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और आप सबको सीधे हेल्प मिलेगी यहाँ से, काफी कुछ एक्सपीरियंस सर ने अपने शेयर किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं तक रखेंगे, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।